प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी महीने यूएसए विजिट पर जाने वाले हैं और डिफेंस से जुड़ी कई डील्स यहां पर साइन होने की संभावना है। एंड मेन फोकस यहां पर है MQ-9 रीपर ड्रोन्स एंड FA-18 सुपर हॉर्नेट पर। हालांकि सुपर हॉर्नेट को गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्ट करने के चांसेस यहां पर बहुत कम है, ये हमने पहले भी कई बार बताया है, क्योंकि राफेल मरीन को यहां पर सिलेक्ट करने के चांसेस ज्यादा है। तो MQ-9 रीपर ड्रोन्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए लिए जाने हैं। पहले 2017 में प्लान था कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए 30 MQ-9 मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स लिए जाएंगे $3 बिलियन की कॉस्ट में, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ऐसे 6 ड्रोन यूनिट्स मिलेंगे। तो 18 ड्रोन्स की कॉस्ट कितनी होगी ये नंबर एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, बट एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर पर यूनिट कॉस्ट इनकी $100 मिलियन हो तो मान के चलते हैं करीब $1.8 बिलियन का कॉस्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो काफी एक्सपेंसिव ये ड्रोन्स है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भले ही ये ड्रोन्स परचेज करने के लिए महंगे हो, लेकिन ये पूरे पैकेज के साथ आता है। मतलब ड्रोन के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट्स, सपोर्ट इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ मिला के कॉस्ट $100 मिलियन है। पर फिर भी ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इतने कॉस्ट में आप एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट ही खरीद सकते हो। लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म्स में इसके इस्तेमाल को देखते हैं तो तब ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कम है। दोस्तों MQ-9 रीपर एक काफी केपेबल ड्रोन सिस्टम है। ये लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन भी परफॉर्म कर सकता है, भले ही इसे मीडियम एंड्योरेंस ड्रोन कहा जाता हो। ये 45,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा फ्लाई करने में सक्षम है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स में। ये 2.5 टन्स का पेलोड कैरी करते हुए 30 घंटे तक का एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, और इसके जो नए वर्शंस हैं ये 40 घंटे तक का एंड्योरेंस प्रोवाइड करा सकते हैं और 11,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। साथ ही इसमें लगे रेडार एंड जो सेंसर्स हैं जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रम टारगेटिंग सिस्टम्स, ये इसे एडवांस्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इसको एंटी सबमरीन रोल के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो अनमैच्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटी ये ड्रोन हमारे आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों इंडियन नेवी ने जो 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स लीज में लिए थे, ये इनके परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड है। एंड अब अगर ये डील साइन हो जाती है तो इंडियन नेवी को इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने पर एग्रेसिवली काम कर रहा है, और बॉर्डर्स के पास भी इन्होंने अपने हेल्स यूएवीज को डिप्लॉय करके रखा है। तो इन्हें काउंटर करने के लिए MQ-9 ड्रोन्स की आवश्यकता हमें है। तो 6-6 ड्रोन्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलेंगे जो इनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाइड होंगे। साथ ही News9 द्वारा ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक और सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है जिसके अंतर्गत 800 करोड़ में 2 और ड्रोन्स को लीज पर लिया जाएगा, या फिर हो सकता है जो ड्रोन्स ऑलरेडी सर्विस में है उन्हें का लीज पीरियड को और बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इतने कॉस्ट में इन ड्रोन्स को ना लेके तपस ड्रोन्स को क्यों नहीं लिया जा रहा। दोस्तों ये दोनों ड्रोन्स दो अलग कैटेगरीज में आते हैं। तपस, जिसे रुस्तम 2 के नाम से भी जाना जाता है, इसका इंडक्शन अभी भी नहीं हुआ है, और बात चल रही है कि 2024 से इनका इंडक्शन शुरू होगा। एंड ये केवल 350 किलोग्राम तक का पेलोड ही कैरी कर पाएगा, तो इससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता MQ-9 का। MQ-9 एक हेवी कैटेगरी का ड्रोन है। हाँ, रुस्तम को हम MQ-1 से कंपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें MQ-9 ड्रोन्स की नीड है, और ये डील हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इन ड्रोन्स के साथ आर्म्ड फोर्सेस को डेटा लिंक कैपेबिलिटी भी मिल पाएगी, जिससे क्रिटिकल डेटा दोनों देश के फोर्सेस आपस में शेयर कर पाएंगे। और जो कि मेन थ्रेट यहाँ पर चाइना है, तो कॉमन एनिमी होने की वजह से इन ड्रोन्स को इनके खिलाफ बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो ये भी कोई इशू नहीं है। एंड जेट इंजन डील के बारे में हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। GF414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग TOT इंडिया के साथ यूएसए शेयर करता है कि नहीं, ये एक मेजर न्यूज होगा, क्योंकि इसी इंजन पे हमारे सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डिपेंडेंट है। दोस्तों आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।